के अंजोरा से नवागांव दशगात्र कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे लोगों की गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है। दुर्ग में एक बार फिर बड़ा हादसा हो गया। बता दें, लोगों से भरे वाहन पलट गया, जिसमें घायल सभी सवारों को उपचार के लिए दुर्ग के जिला अस्पताल ले जाया गया है। बता दें कि गांव के सरपंच से मिली जानकारी के अनुसार दुर्ग के अंजोरा गांव से नवागांव दशगात्र के कार्यक्रम के लिए 10 से 12 लोग टाटा एस गाड़ी में जा रहे थे। इसी दौरान थनौत तालाब के पास उनकी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। इसमें से एक महिला और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हुए हैं, बाकी सभी घायलों का उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है। इस मामले में ड्राइवर को झपकी आने की वजह से ये हादसा हुआ है। ये सभी अंजोरा निवासी यादव परिवार से हैं। इन लोग पारिवारिक कार्यक्रम दशगात्र कार्यक्रम में जा रहे थे। टाटा एस से सवार होकर 12 से 13 लोग जा रहे थे। ये लोग जैसे थनौत के पास राजे तालाब है, वहाँ पे गाड़ी अनियंत्रित होकर गाड़ी नीचे तालाब में जा गिरी, जिससे दो बच्चे और दो महिलाओं को थोड़ा ज्यादा चोट आया है, बाकी लोग सामान्य हैं। जिसको सूचना मिलते ही 112 को बुलाकर यहाँ जिला हॉस्पिटल लाया और इन लोगों का इलाज जारी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।